और मई का महीना अपनी गर्मी और तपिश के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है वो फरवरी महीने की ठंडक का एहसास करा रही है। तो क्या है मौसम की ये अबूझ पहेली, चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल, कल यानी मई महीने का पहला दिन है, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा है। गीतिका, कल ठंड लग रही थी वाकई में, और मौसम विभाग की माने तो अभी अगले दो दिन और पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा इसी तरह। और पश्चिम विक्षोभ के इसी असर की वजह से अधिकतम तापमान में अभी और गिरावट आने की संभावना है, मतलब ठंड और हो जाएगी सरगम। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार मई महीने में बारिश भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बिल्कुल, इस साल के मार्च की अगर हम बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, वहीं इसी साल फरवरी का महीना 17 साल में सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा था। बिल्कुल, यही नहीं, जनवरी की बात करें तो इस बार इतनी सर्दी पड़ी कि उसने पिछले 11 साल का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बिल्कुल, ऐसे में जाहिर है कि मौसम के मिजाज ने जनवरी से ही लोगों को चौंका रखा है, लेकिन अब चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं मौसम का ये मिजाज मानसून की रफ्तार पर असर ना डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। तो देखिए, मौसम भले ही पहेली बना हुआ है सभी के लिए, लेकिन बादल और बारिश तमाम राहत लेकर भी आया है लोगों के लिए। मसलन जिस बारिश से आप कूल कूल मई का एहसास कर रहे हैं, वो यकीनन एक और लिहाज से कूल साबित हो रहा है। इसका फायदा ये हुआ कि फिलहाल आपको पॉल्यूशन से राहत मिल गई है। मई की इस बेमौसम बरसात ने दिल्ली एनसीआर की आबो हवा को दुरुस्त कर दिया है, ये रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर मई के जिस महीने में हम तेज गर्मी देखते थे, तापमान 40 से ज्यादा हो जाती थी, ऐसे में बूंदाबांदी अपने आप में चौंकाती है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली एनसीआर समेत मैदान के कई इलाकों में आप ये बरसात भी देख रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज सिर्फ इतनी नहीं है, गुड न्यूज ये भी है दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लिए कि दिल्ली में इस साल जनवरी से लेके अप्रैल तक जो साफ मौसम, और साफ मौसम में भी वो समय जब हवा की गुणवत्ता बेहद साफ रही हो, वो पिछले 7 सालों के मुकाबले बेहतर है। और ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का जो CAQM है, जो क्वालिटी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को देखता है, वो बता रहा है कि साल 2023 में जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच, इन 4 महीनों के बीच हवा की गुणवत्ता पिछले 7 सालों के मुकाबले बेहतर रही है। हालांकि इसमें 2 सालों को हटा दिया गया है या उन्हें एक्सेप्शन माना गया है जब लॉकडाउन था, क्योंकि ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां नहीं चल रही थी, सड़कों पर भीड़ भाड़ कम थी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये 2023 के जो शुरुआती 4 महीने रहे हैं, ऐसे में PM2.5 जो है उसकी मात्रा भी ठीक रही, PM10 की भी मात्रा ठीक रही। लेकिन हाँ, इन सब के बीच दिल्ली में और पूरे एनसीआर में प्रदूषण जो एक सबसे बड़ा कारण था, उसमें एक राहत जरूर दिखाई पड़ती है जब पिछले 7 सालों के मुकाबले दिल्ली वालों को इस नए साल में वो 4 महीने सबसे बेहतर, सबसे साफ सुथरे मिलते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।